न्यूज वर्ल्ड इंडिया, मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। नजर डालते हैं 5 मिनट 25 खबरों पर। नए किसान कानून के विरोध में चल रहे आंदोलन का 11वां दिन, कांग्रेस, तृणमूल और टीआरएस ने किसानों के भारत बंद को पूरा समर्थन देने का किया ऐलान। अमेठी में किसान बिल वापस लेने की मांग को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन। किसान नेत्री की अगुवाई में जिला मुख्यालय पर किया गया प्रदर्शन। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने फूंका केंद्रीय कृषि मंत्री का पुतला। कन्नौज में जिला पंचायत के प्रधान लिपिक का रिश्वत लेने का मामला। प्रधान लिपिक को विजिलेंस की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। फतेहपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद, बाइक सवार लुटेरों ने एक राहगीर युवक को बनाया अपना निशाना। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने दर्ज किया केस। अमरोहा देहात इलाके में अपर पुलिस अधीक्षक ने देहात पुलिस के साथ चलाया संदिग्ध चेकिंग अभियान। बिना मास्क वाले लोगों पर की गई बड़ी कार्रवाई। कानपुर देहात के सदर चौराहे पर बने बाइक शोरूम में लगी आग। आग लगने से लाखों का नुकसान। आग के कारणों का अभी तक नहीं चल पाया है पता। बुलंदशहर में शादी में शिरकत करके लौट रहे बाइक सवारकों को कार ने मारी टक्कर। घटना में 2 लोगों की मौत। कार चालक मौके से फरार। मेरठ में शादीशुदा युवक द्वारा युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला। पीड़िता का आरोप गर्भवती होने पर आरोपी युवक और उसकी पत्नी ने दवाई खिलाकर कराया उसका गर्भपात। शामली में सराफा व्यापारी से लूट के प्रयास का मामला। व्यापारी पर किया गया जानलेवा हमला। मामले की पड़ताल में जुटी पुलिस। शामली में दबंगों को नहीं रहा पुलिस का खौफ। बाइक सवार 3 बदमाशों ने हथियार के बल पर पेट्रोल पंप के 7 सेल्समैन को बंधक बनाकर की मारपीट। पेट्रोल पंप के सेल्समैन को बंधक बनाकर मारपीट के बाद बदमाशों ने लाखों रुपए की लूट की घटना को दिया अंजाम। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। रामपुर में पूर्व रिटायर्ड सूचना अधिकारी सोमपाल सिंह ने अपनी नौकरानी की गोली मारकर की हत्या। मामले में जुटी पुलिस ने आरोपी को तमंचे के साथ किया गिरफ्तार। मैनपुरी में बाइक सवार दंपति से बदमाशों ने तमंचे के बल पर की लूट। बदमाश नकदी और जेवर लेकर मौके से हुए फरार। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। मैनपुरी में पुलिस का रौब दिखाकर एक शराबी युवक ने ढाबे पर किया जमकर हंगामा। अभद्र भाषा और मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। ढाबे पर खाने के रुपए मांगने को लेकर हुआ था विवाद। आरोपी युवक पुलिस का खौफ दिखा कर रहा दबंगई। कौशाम्बी में छेड़खानी से परेशान युवती ने मंचलेकी की पिटाई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। संभल में मामली बात पर हुए विवाद में 18 वर्षीय युवक की मौत। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। गुस्साए परिजनों ने पुलिस से किया शव छीनने का प्रयास। 18 वर्षीय युवक की मौत के बाद परिजनों का जमकर हंगामा। परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जिला अस्पताल में काटा हंगामा। अलीगढ़ की खैर कोतवाली क्षेत्र के जंगल में करीब आधा दर्जन गौ अवशेष मिलने से मचा हड़कंप। हिंदू जागरण मंच और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अज्ञात गौ हत्यारों के खिलाफ दी तहरीर। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अज्ञात गौ हत्यारों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की मांग। 24 घंटे में कार्रवाई न होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। अलीगढ़ में 6 दिसंबर को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। पुलिस प्रशासनिक अधिकारी फोर्स के साथ संवेदनशील इलाकों में कर रहे फ्लैग मार्च। 6 दिसंबर को हिंदूवादी शौर्य दिवस के साथ मुस्लिम समुदाय मनाता है काला दिवस, जिसको लेकर अलीगढ़ में महानगर को 7 सेक्टरों में बांटा गया। चंबल में गंगा किनारे मिला अज्ञात अधेड़ का शव। शव मिलने से इलाके में सनसनी। शव की पहचान के लिए ली गई आसपास के ग्रामीणों की मदद। बुलंदशहर में युवती ने अपने साथ हुई गैंगरेप की वारदात का लगाया आरोप। एक युवक समेत 3 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मामला किया दर्ज। मामले में पुलिस ने अकरम नाम के एक मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। 5 मिनट 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।